गायकवाड़ पे उनको जो है बेल मिली है। अश्वजीत गायकवाड़ के केस में कल उन्होंने अपने दोस्तों के साथ में पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है और आज उनको दोपहर में कोर्ट में पेशी थी, तो पुलिस ने पुलिस कस्टडी की मांग की थी, 5 दिन उनको पुलिस कस्टडी मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की कोर्ट में, उसके ऊपर सुनवाई होने के बाद में अभी कोर्ट ने उनको 15,000 के इस पे जामीन दे दिया है। किस आधार पे बेल मिली है? ये जो भी कलम लगाए थे ये जामीन पात्र थे, मतलब बेलेबल ऑफेंसेस थे, और हम खुद होके पुलिस स्टेशन में सरेंडर हुए हैं। हमने जो व्हीकल के बारे में आरोप था वो व्हीकल को भी सरेंडर किया और आगे जाके पूरा सहकार्य देने का प्रॉमिस किया। जो आरोप लगाए थे उसमें कितनी सत्यता थी और क्या बातें सामने आई हैं कुछ इस पे? इन्वेस्टिगेशन चालू है सर, हमने बहुत क्लियर बात बोली है कि अश्वजीत गायकवाड़ उस वक्त उस कार में गाड़ी में नहीं थे, तो उनका इस हादसे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन था नहीं। जो दलील वहाँ पे हमने कोर्ट में सुनी उसमें जो है जो पीड़ित पक्ष के वकील थे वो कह रहे थे इसमें जो धाराएं लगनी चाहिए वो नहीं लगी थी, जो है उनकी तरफ से ऐसा आक्षेप था कि उनकी FIR या जो भी कंप्लेन ठीक से नहीं लिया, उनको कुछ और कहना है इसके बारे में, तो वो उनका पक्ष रखेंगे। अगर उन्होंने हाईकोर्ट में जाने की बात की है तो उसमें भी हम अपना बचाव जो भी रहेंगे करेंगे। इसमें अगर आगे पुलिस जांच करती है तो जो आपके जिस पक्ष के आप वकील हैं, जो आरोपी जिनको बनाया गया था अश्वजीत और उनके जो साथी हैं, वो पुलिस की सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे? सहयोग करेंगे, हमने शुरुआत से सहयोग किया है। कल भी खुद होके अश्वजीत गायकवाड़ ने खुद होके सरेंडर किया उनके दोस्तों के साथ में। इसमें जो है जो पीड़िता पक्ष उनका जो है कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर के, क्योंकि जो ऑफेंस है और जो सेक्शन लगने थे वो लगाए नहीं गए और उनके साथ जो है अन्याय हुआ है। उनका हक और अधिकार है हाईकोर्ट में जाने का, तो वो जो भी स्टेप लेंगे उसके हिसाब से हम अपना बचाव करेंगे। ये थे आरोपी पक्ष के वकील मिस्टर सालुंके, जिनका कहना है कि आज जो अश्वजीत जो जो आरोपी थे और जो उनके दो साथी थे उनको जमानत मिली है और पुलिस ने जो सेक्शन लगाए थे, जो आरोप लगाए गए थे वो वैलेबल ऑफेंस था, इसके आधार पर कोर्ट ने जो है उसे बेल दिया है और अगर भविष्य में जो है उसकी जांच होती है, पुलिस इस पर आगे जांच करती है और ऐसा कोई मामला आता है तो उसमें पूरा उनके जो मुवक्किल हैं, जो उनके जिनके वो वकील हैं, वो लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।